23 दिसंबर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिलसी में आयोजित जनसभा में कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के सपने साकार करने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में मोदी मॉडल गुजरात मॉडल लागू किया गया है। यूपी में विकास की बहार आई है। 01 अप्रैल 2023 से प्राइवेट नलकूप का बिजली का बिल भी सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह सरकार अगधा पिछधा व अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है। उन्होंने 387.98 लाख रुपए की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 5.28 लाख रुपए की 36 परियोजनाओं का शिलान्यास बटन दबाकर किया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में जब वह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षियों की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि देश में मोदी जी की आंधी सुनामी चल रही है। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पार्टी विजय प्राप्त करेगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने उपस्थित जन सामान्य कार्यकर्ताओं से कहा कि वह संकल्प लेकर जाएं कि अगली बार मोदी जी की सरकार बनेगी तथा मेरा बूथ सबसे मजबूत पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 करोड़ DDH गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए, 52 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत निशुल्क बैंक खाता खुलवाया, 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए, शौचालय बनवाए, गरीबों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाया।